हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि है मिनिमाइजेशन ऑफ DFA का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो आप यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम देख सकते हैं। तो इसका हमें मिनिमाइजेशन ऑफ इसका मिनिमम DFA हमें निकालना है। ठीक है, तो एल्गोरिदम मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और वही एल्गोरिदम सेम एल्गोरिदम आपको किसी भी तरीके की DFA के ऊपर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रांजिशन टेबल बनानी है इसकी, इस ट्रांजिशन डायग्राम की। तो ये हमने बना ली इसकी ट्रांजिशन टेबल। अब स्टेप नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले हम जीरो इक्विवेलेंस निकालेंगे इसका, जीरो इक्विवेलेंस। सो जीरो इक्विवेलेंस में जितने भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनका हम एक सेपरेट स्टेट सेट बनाएंगे। ये हो गई हमारी नॉन फाइनल स्टेट, और जो फाइनल स्टेट है उसका एक सेपरेट सेट बना लिया जीरो इक्विवेलेंस में। फिर फर्स्ट इक्विवेलेंस में मैं इससे पहला जो स्टेट है ए है वो ले लूंगा, और उसके साथ में दूसरा बी लूंगा मैं। ठीक है, सो बी लिया मैंने और चेक करूंगा ए और बी क्या दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। तो गाइज आपको याद हो इक्विवेलेंट होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनपुट इन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो इन दोनों का इनपुट डालने के बाद में सेम फाइनल स्टेट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर हम इनपुट एक्स डाल दें तो इन दोनों का जो फाइनल स्टेट है वो दोनों का सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान दें। अब आप देखें कि ए के अंदर जब मैंने जीरो इनपुट दिया तो बी आया, वहीं बी के अंदर भी जीरो दिया तो बी ही आया। ठीक है, तो जीरो के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर वन देने के ऊपर ए के अंदर जब वन इनपुट दिया तो हमें सी मिला, वहीं बी को जब हमने वन इनपुट दिया तब हमें डी मिला। ठीक है, तो ये तो आप कहोगे डिफरेंट है, ये तो डिफरेंट स्टेट है। नहीं, लेकिन गाइज यहां देखिए ये एक ही सेट के पार्ट हैं। हमें एक इसकी प्रिसीडिंग सेट को देखना है, प्रिसीडिंग इक्विवेलेंस कंडीशन को देखना है, उसके अंदर जो इस सेट है क्या ये उसी सेट के अंदर लाई करते हैं। हाँ, सी और डी सेम सेट के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दीज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर बाद में हम सी को समझेंगे, क्योंकि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट है तो हम समझ सकते हैं कि ए और बी अब क्या हो गए, एक ही सेट हो गया। ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये अब एक ही सेट, अब एक सेट से क्या मतलब है कि एक ही स्टेट, वो इन दोनों की स्टेट एक ही है। ठीक है, तो या तो मैं ए के साथ में कंपेयर करूं या तो मैं बी के साथ में कंपेयर करूं, डजंट मैटर। तो मैं ए के साथ में कंपेयर करता हूं, ए के अंदर जब हमने जीरो डाला तो बी मिला, वहीं सी के अंदर जीरो डाला तो हमें बी मिला, वहीं ए के अंदर वन डाला तो सी मिला, सी के अंदर सी डाला वन डाला तो सी मिला। तो सी भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, इक्विवेलेंस कंडीशन को सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं डी के लिए सेम रूल, डी के लिए क्या हम किसी को भी ले सकते हैं, सी डी बी डी या ए डी, किसी को भी एक ग्रुप बनाकर, सॉरी मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसका, किसी भी कंडीशन को ले सकता हूँ मैं, या तो मैं ए डी को ले सकता हूँ, या तो मैं बी डी को ले सकता हूँ, या तो मैं सी डी को ले सकता हूँ। तो मैं सी डी को लेके देख लेता हूँ, सी के अंदर जीरो डाला तो क्या मिला हमें, बी स्टेट मिली हमें, वहीं डी के अंदर जीरो डाला तो बी स्टेट मिली हमें, सी के अंदर वन डाला तो सी मिला हमें, वहीं डी के अंदर वन डाला तो ई मिला। अब चूंकि ये तो डिफरेंट है, एक और कंडीशन डिफरेंट के लिए हमें एक और कंडीशन देखनी है कि क्या वो सेम सेट में लाई करते हैं, सी और ई क्या सेम सेट में लाई करते हैं, उसकी प्रिसीडिंग इक्विवेलेंस केस के अंदर क्या वो एक ही सेट के अंदर लाई करते हैं। नहीं, सी और ई दो डिफरेंट डिफरेंट सेट के अंदर लाई करते हैं, तो इसीलिए हमें डी को एक सेपरेट स्टेट बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें सेपरेट सेट के अंदर इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में तीन सेट हो गए, ए बी सी जो कि एक सेट के अंदर है,
वहीं डी एक दूसरे सेट के अंदर है, ई तीसरे सेट के अंदर है, ठीक है। ई को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ई के पास में तो एक ही है, तो इनको छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें किसके अंदर मतलब किसके साथ में ट्रायल एंड एरर खेलना है, जिस सेट के अंदर एक से ज्यादा स्टेट हो, ठीक है। अब हम सेकंड इक्विवेलेंस में जाएंगे। सेकंड इक्विवेलेंस में सेम रूल, सेम एल्गोरिथम। ए को लेंगे, ए के साथ में बी को चेक करेंगे। ए के साथ में बी को चेक किया, ए के अंदर जीरो डाला तो वो बी के अंदर जा रहा है, वहीं बी के अंदर जीरो डाला तो बी स्टेट के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो जीरो के लिए तो ठीक है, काम हो गया। वहीं ए के अंदर वन डाला तो सी के अंदर जा रहा है, वहीं बी के अंदर वन डाला तो डी के अंदर जा रहा है। अब इन दोनों को चेक करना है क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट हो गई। क्या ये डिफरेंट स्टेट इसकी प्रिसीडिंग मतलब एक पहले वाले में, ना कि जीरो इक्विवेलेंस में, सेकंड इक्विवेलेंस से एक पहले वाले में, माना इसका मतलब है फर्स्ट इक्विवेलेंस के अंदर जो सेट है, क्या सी और डी एक ही सेट के अंदर लाई है, लाई कर रहे हैं? नहीं, सी सेट नंबर वन के अंदर है, वहीं डी सेट नंबर टू के अंदर है, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेट के अंदर है, तो इसीलिए बी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सेट। तो इसके लिए हमें बी के लिए अलग से एक और सेट बनाना पड़ेगा। डी और ई को जो का तो लिख दो क्योंकि वो एक आइसोलेटेड और स्टैंड अलोन स्टेट्स हैं। इसके साथ में मल्टीपल स्टेट्स यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है इन स्टेट्स के अंदर, तो इनको जो करते हो आप प्रेसिडिंग स्टेट से उठाकर इस स्टेट में लिख दो, ठीक है। अब बी तो हमने लिख दिया, अब सी के लिए सेम चेक करो। तो ए और सी, जीरो डालने पर बी आ रहा है और वन डालने पर सी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेम स्टेट के अंदर रहेंगे, सेम यही रूल अपनों को इक्विवेलेंस थर्ड इक्विवेलेंस में भी लगाना है। सेम स्टेप्स, कुछ चेंज नहीं है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ए को लेंगे, ए के साथ में सी को चेक करेंगे। ए और सी क्या दोनों की स्टेट सेम है? इनपुट सेम, इनपुट के ऊपर क्या उनकी फाइनल स्टेट सेम है? यस, जीरो डालने पर ए भी बी दे रहा है, वहीं सी भी बी ही दे रहा है, वहीं वन डालने के ऊपर उपलक्ष्य पे भी ये दोनों सेम ही फाइनल स्टेट के ऊपर। फाइनल स्टेट नहीं है मतलब कि एक इन दोनों की स्टेट है वो सिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए ये सेम स्टेट के अंदर ही रहेंगे। बी को छेड़ना नहीं है, डी को छेड़ना नहीं है, ई को छेड़ना नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि कब तक हमें ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बनानी है? जब तक कि दो स्टेट, दो कंटिग्यूअस स्टेट सेम ना आ जाए, ठीक है। दो अगर स्टेट हमें सिमिलर मिल गई, ये देखिए हमने थर्ड और सेकंड कंटिन्यूअस इक्विवेलेंस हमें सिमिलर स्टेट दे रहे हैं, सिमिलर सेट्स दे रहे हैं, तो यहां पर हमें स्टॉप कर देना है, यहां पर हमें रुक जाना है, ठीक है। यहां पर हम रुके और अब हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल, और ट्रांजिशन टेबल में स्टेट्स कौन कौन सी होंगी? ये जो फाइनल इक्विवेलेंस में हमें मिली थी, तो ये स्टेट्स को हम लेंगे, बी डी ई। अच्छा, ए और सी के अंदर हमने जीरो डाला तो बी बी के ऊपर पहुंच रहे थे, तो यहां पर हम बी लिख देंगे। वहीं ए और सी के अंदर हम वन डाल देते तो वो सी के ऊपर पहुंच रहे थे, वहीं बी बी तो सिमिलर होगा, बी और डी, डी भी सेम होगा, बी और ई, ई भी सेम ही होगा। अब आपका क्वेश्चन है कि इनकमिंग कौन होगा, तो यहां पर इन जो मतलब स्टार्टिंग स्टेट थी वो कौन था?
ए था, तो जिस स्टेट के अंदर ए है उसको आप इनकमिंग बना दो, ठीक है। वहीं आपका फाइनल स्टेट कौन सा होगा, पहले वाले के अंदर फाइनल स्टेट कौन सी थी, ई थी, तो जहां जिस सेट के अंदर आपको ई दिखे उसको आप फाइनल सेट स्टेट बना, ठीक है। तो इसका आप अब डायग्राम बनाओ, स्टेट डायग्राम बनाओ इसका। तो स्टार्टिंग चुकी है आपका ए और सी, तो स्टार्टिंग ए और सी को इस तरीके से लिखो। फिर बी आया, तो हम तीन बना लेते हैं, बी, फिर हमारा डी है, ई है, ई तो चूंकि फाइनल स्टेट है तो इसको कंसेंट्रिक सर्किल में लिखोगे आप। फिर आया डी, ओके। ए और सी के अंदर जब हमने जीरो डाला तो जीरो के अंदर जा रहा है, बी के अंदर जा रहा है, वन डालने के बाद में वो सी के अंदर, सी कहाँ है, सेम यही है, तो सी के लिए आप यही, ठीक है। वही बी के अंदर जब जीरो डालोगे, सो ट्रांजिशन ऑफ बी ऑन टू जीरो, बी ओनली, ओके, एंड ट्रांजिशन ऑफ बी ऑन ऑन टू वन इज डी, सो ये, और वही डी के अंदर जब हमने जीरो डाला तो बी के अंदर गया और वन डाला तो ई के अंदर गया, ठीक है। और वहीं ये हमारा ई के अंदर जब हमने जीरो डाला तो बी के अंदर और वन डाला तो ए और सी दोनों स्टेट के अंदर, जहां सी आ जाए तो आप समझ जाओ कि ए और सी वाले में डालना, या फिर मैं इसको एक साथ भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ए और सी को एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंट मतलब, अब चूंकि हमारा काम ही ये था कि इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो उसके बाद में दोनों एक ही स्टेट बन गई, ए और सी एक ही स्टेट बन गई, ठीक है। तो सी अलग अलग लिख रहा हूं मैं, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन कमेंट एंड डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।